वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये चैप्टर, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है, एक इमोशन, एक जज्बात होता है। अभी कैसे इमोशन, फीलिंग, नेशनलिज्म मतलब क्या? तो सीधे सीधे एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक फोन। उसके अलावा आपके पास भी बहुत सारी चीजें होगी, आपका पेन हो सकता है, आपकी रिस्ट वॉच हो सकती है, आपके शूज हो सकते हैं। ये सब हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला सामान है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करते करते अगर ये चीजें खराब हो जाए तो हम इनको रिप्लेस कर देते हैं नई चीजों से, अगर ये टूट जाए तो इन्हें फेंक देते हैं। ये इन सामान के लिए हमारा रवैया, एटीट्यूड होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम इंसानों की बात करते हैं तो ये वाला एटीट्यूड कि इस्तेमाल होता है तो फेंक दो, हम इंसानों के साथ नहीं रखते। इमेजिन कीजिए हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है रिलेशन जो हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ है, हमारा फ्रेंड्स के साथ है, हमारे सिबलिंग्स के साथ है। इंसानों के साथ हम ये व्यवहार नहीं करते बिकॉज क्योंकि हम इंसानों के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं इंसानों के साथ। सामान के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते। हाँ, वो बात और है कि कोई इंपॉर्टेंट पैन चीज है, कोई और चीज जो हमें हमारे पेरेंट्स ने गिफ्ट किया है, हमारे फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया है, कुछ समय के लिए उन चीजों के लिए हम अटैच हो सकते हैं, बट ज्यादातर सामान के साथ हम अटैच नहीं होते। तो जो अटैचमेंट इंसानों के साथ होती है ना, जब भी अटैचमेंट जो हमको हमारी मम्मी के साथ है, पापा के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, भाई बहनों के साथ है, या टीचर्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के इंसानों के साथ जो अटैचमेंट होती है, उस तरह की अटैचमेंट जब हमारी एक बड़े सोसाइटी के साथ, बड़े समाज के साथ हो जाती है, तब उसे नेशनलिज्म कहा जा सकता है। अब क्यों, आप अपने पेरेंट्स से तो कनेक्टेड हो बिकॉज आप एक फैमिली हो, आप अपने फ्रेंड से कनेक्टेड हो बिकॉज आप उनसे स्कूल में मिलते हो, ट्यूशन में मिलते हो, या आपके आस पड़ोस में आप उनके साथ खेलते हो, इसलिए कनेक्टेड हो। क्या ये मुमकिन है कि आप उन लोगों से भी कनेक्टेड फील करो जिनसे आप कभी नहीं मिले, जो आपसे बहुत दूर रहते हैं? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। तो क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए कोई कनेक्टिंग थ्रेड चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे बहुत ज्यादा लोगों से आप कनेक्ट हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, इंडिया में क्या है, मैं महाराष्ट्र में हूँ, हो सकता है आप भी महाराष्ट्र में या इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते होंगे। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनसे मैं इंडिया में आज तक नहीं मिला, मुझे उनके नाम भी नहीं पता, मुझे उनका चेहरा नहीं पता, मैंने कभी उनकी फोटो नहीं देखी। लेकिन इमेजिन कीजिए आप या मैं घूमने के लिए हम पेरिस चले गए, पेरिस के रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, और वहां पे हमारे साइड के टेबल पे कोई और फैमिली आई है, वो भी लंच कर रही है। वो फैमिली जब आपस में बात कर रही है ना, वो हिंदी में बात कर रहे हैं, और हम भी इंडियन है, वो हिंदी में बात कर रहे हैं, मतलब वो भी इंडियन है। अब मुमकिन है हम उनसे थोड़ा सा हाई हेलो कर लें, हम बात करें कि चलो एक साथ मिलके आज हम एक साथ लंच कर लेते हैं, मुमकिन है। अभी ऐसा क्यों हुआ? वहां पे और 10-20 फैमिलीज बैठी हुई है, हमने उनके साथ कनेक्शन फील नहीं किया, लेकिन ये जो फैमिली जो बाजू में आके बात कर रहे हैं, जो हिंदी में जिन्होंने आपस में बात किया, उनके हिंदी से मुझे पता चला कि वो इंडियन है, अब मैं उनके साथ मिलकर लंच करना चाहता हूँ। ये कनेक्टिविटी आई, हमारी कनेक्टेड लिंक। और कनेक्टेड लिंक क्या है? इंडियननेस। मैं भी इंडियन हूँ, वो भी इंडियन है, जो इंडियननेस है ना, ये हमारी कनेक्टेड लिंक है। तो जितने भी भारत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो भारतीय हैं और दूसरे भारतीयों को अपने जैसे ही मानते हैं, हम भी एक ग्रुप का हिस्सा है बिकॉज हम सब भारतीय है, तो इंडियननेस इज अ बेसिस ऑन विच इंडियन नेशनलिज्म स्टैंड्स। फॉर अ वाइल हम यूरोप की बात करते हैं, मान के चलो यूरोप में एक सिचुएशन ऐसी फैक्ट है, ये बात मत दीजिए, यूरोप में जो नेशनलिज्म का राइज हुआ वो लैंग्वेज के आधार पर हुआ। एक समय था यूरोप में एक जर्मन भाषा बोलने वाला अपने आप को बाकी सारे जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों से कनेक्ट करता, फ्रेंच बोलने वालों से कनेक्ट नहीं करता था। तो फ्रेंच बोलने वाला सारे फ्रेंच बात करने वालों से कनेक्ट करता था, और रशियन या स्पैनिश या इटालियन बोलने वालों से कनेक्ट नहीं करता था। तो वहां पे यूरोप में जो नेशनलिज्म आया वो भाषा के आधार पे आया। हमारे इंडिया में जो आधार है वो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर हमारी जो लैंड है भारत माता, उसकी वजह से हमारे पास नेशनलिज्म है। तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग, ये एक ऐसी भावना, एक ऐसे जज्बात है जिससे एक व्यक्ति बाकी बहुत सारे पूरे समाज से किसी एक कॉमन थ्रेड की वजह से कनेक्टेड फील करता है। वो मानता है कि आई बिलोंग टू देम एंड दे बिलोंग टू मी। जब एक बड़े से समाज में ये भावना आ जाती है कि हम एक है, दैट इज नेशनलिज्म। होप सो नेशनलिज्म तो समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पे, नेशनलिज्म में। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि नेशनलिज्म क्या होता है, अब हम नेशनलिज्म से आगे बढ़कर देखते हैं नेशन स्टेट, जो हमारे हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट नेशनलिज्म इन यूरोप का बिगनिंग पॉइंट है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं फ्रेडरिक सॉरी अंकल पे। हमारी स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। ये अंकल कौन थे? ये फ्रेडरिक अंकल ना, ये बहुत बड़े फेमस फ्रेंच आर्टिस्ट थे और उन्होंने कुछ पेंटिंग्स, चार बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई जिसमें उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिस्प्ले किया, रिप्रेजेंट किया। और इन पेंटिंग्स को कहा जाता है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो उसमें उन्होंने यूटोपियन सोसाइटी को डिस्क्राइब किया। अभी यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है? एक इंग्लिश ऑथर है जिसका नाम है सर थॉमस मोर, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है यूटोपिया। अरे किताब किस बारे में? ये एक इमेजिनरी आइलैंड के बारे में। ये थॉमस सर बताते हैं ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे एक देश है जहाँ पे हर चीज परफेक्ट है, हर चीज परफेक्ट है, और एक ऐसी दुनिया है हर कोई यहाँ रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अगर यूटोपिया में चला जाए तो एवरीथिंग इज आइडियल, लेकिन एक्चुअली कभी भी उतना समाज, अच्छा समाज एग्जिस्ट नहीं किया है आज तक दुनिया में। तो कोई भी चीज उसको यूटोपियन कहा जाता है अगर जो चीज कभी नहीं हो सकती, टू गुड टू एग्जिस्ट, इतना अच्छा कि कोई हो ही नहीं सकता उतना, दैट इज यूटोपियन विजन। तो ये हमारे फ्रेडरिक सॉरी भाई साहब है, इन्होंने ड्रीम देखे यूरोपियन समाज का। क्या समाज का ड्रीम देखे इन्होंने? कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पे लोग अपना अपना एक ग्रुप बना ले, मतलब अपना अपना एक देश बना ले। और वो देश कैसे बने? किसी आधार पे बने। जनरली उनके दिमाग में भाषा थी, सारे जर्मन लोगों का अलग देश हो, फ्रेंच लोगों का अलग देश हो, इटालियन लोगों का अलग देश हो, ये सारे देशों के अपने अलग फ्लैग्स हो, अपने अलग कॉस्ट्यूम्स हो, अपने अलग तरीके फूड हैबिट्स हो, और एक सेपरेट यूनिट्स के तौर पे, अलग अलग ग्रुप्स के तौर पे ये दुनिया में एग्जिस्ट करें। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते थे फ्रेडरिक सर कि ये आपस में दुश्मन रहे। फ्रेंच लोग अपना देश बना के अपनी भाषा बोले, अपना कल्चर जिए, जर्मन अपना देश बना के अपनी भाषा बोले, अपना कल्चर जिए, लेकिन साथ में ये फ्रेंड्स भी रहे। और ये सारे जो नए देश बनेंगे, एक समान तरह के लोग, एक जैसे लोग एक जगह पे एक साथ रहेंगे। और इनको, इनके देश को चलाएगा कौन? इन्हीं में से कोई एक चलाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी फ्रेंच राजा ने जर्मनी पे हमला किया, जर्मन एरिया को अपने कंट्रोल में लेके आ गया, और फ्रेंच राजा फ्रांस को भी चला रहा, जर्मनी को भी चला रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश बने और उसी देश के लोग अपने देश को चलाएं। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्होंने जो चार पेंटिंग्स बनाए, वो चार पेंटिंग कौन कौन सी थी? ये थी उनकी मेजर चार पेंटिंग्स। लेकिन ये वाली जो पहली पेंटिंग है ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिकॉज यही तो हमारे चैप्टर में दी हुई है और इसी चैप्टर को हमको डिटेल में देखना है। तो हम इसमें जूम करते हैं इस पेंटिंग पे। ये हमारी मेन पेंटिंग, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, इस पेंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रेडरिक सॉरी क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, वो अब यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें यूरोप के जो लोग है कहा दिखाया जा रहा है कि यूरोप की सारी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी कतार में, एक बहुत बड़ी ट्रेन में कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आजादी की देवी, इसके सामने आना चाह रहे हैं, फ्रीडम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आना चाह रहे हैं और अपना एक नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। तो इसमें जो यूएसए है जो ऑलरेडी काफी आगे जा चुका है, स्विट्जरलैंड है काफी आगे जा चुका है, अब फ्रांस स्टैचू के पास पहुंचा है। इसका मतलब है यूएसए स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं। अब नेशन स्टेट क्या होता है, एक छोटा सा आइडिया देता हूं। मतलब वो लोग, हमने नेशनलिज्म देखा ना इसी वीडियो के शुरुआत में, एक समाज होता है, लोगों का ग्रुप होता है जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि हम एक है, या तो हमारी भाषा की वजह से एक है, या तो हमारे धर्म की वजह से एक है, या तो हमारे देश की एक लैंड की वजह से एक है, जिस वजह से भी हम आइडेंटिटी हमारी जो भी हो, हम एक है। लेकिन हम एक है तो क्या हम एक ही देश में रहते हैं कि हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाला जो हमारा राजा या हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम में से ही एक है कि बाहर के लोग हमें रूल करते हैं? लेकिन मान के चलिए कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए बन जाऊँ कि मैं जर्मन हूँ और मेरे देश में फ्रेंच राजा राज कर रहा है, तो मैं सारे जर्मनों के साथ मिलकर नेशन तो हूँ लेकिन हमारा स्टेट अलग अलग नहीं है, बिकॉज हमें कंट्रोल कोई और देश का लोग कर रहा है। लेकिन जिस दिन हम सारे जर्मन एक साथ रहेंगे और हमें रूल करने वाली हमारी गवर्नमेंट हो या राजा जो भी है वो भी हम में से एक रहेगा, तब हम बन जाएंगे स्टेट। तो इसलिए नेशन और स्टेट दोनों कंबाइन कर लिया जाए तो नेशन स्टेट होता है। तो यूएसए और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे, फ्रांस नेशन स्टेट बनने के कगार पे पहुंच गया था। देखिए ये बात हो रही है 1848 की, जब ये फ्रेडरिक सॉरी ने पेंटिंग बनाई थी। उसके नीचे नीचे आपको क्या दिखाई देगा? उसके नीचे आपको देखेगा जर्मनी जो अपने ट्राई कलर ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग के साथ नेशन स्टेट बनने के काफी नजदीक पहुंच चुका है। फ्रांस तो ऑलमोस्ट बनने वाला है। उसके नीचे नीचे आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रिया,
किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डीज, इंग्लैंड, आयरलैंड, ये सारे देश, रशिया, ये सारे देश सब लाइन में लगे कि हमको नेशन स्टेट बनना है। ये पूरी लाइन और नीचे दिखाई दे रहा है, ये कुछ क्राउन्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब पुराने एब्सोल्यूट मोनार्की जो निरंकुश राजशाही थी, अब वो टूटने लगी है, अब जनता उस पर अटैक करने लगी है, जनता ने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, और वो मोनार्की के भग्नावशेष, द टाइटल रिमेन्स ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की, वो यहाँ पे देखने मिल रहा है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है, उसके लेफ्ट हैंड में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान की मशाल, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का घोषणा पत्र, एंड द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में है। और यही सारे सीन में ऊपर से सारे जीसस क्राइस्ट है, सारे एंजल्स है, ये सब आशीर्वाद दे रहे हैं, ये सारे नीचे जो लोग अपना देश बनाना चाह रहे हैं, अरे सारे देश के लोग अपने अपने कॉस्ट्यूम से, कपड़े यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ये अपने कॉस्ट्यूम से, अपने फ्लैग से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, सब सब में एक फ्रैटर्निटी है, एक बंधुभाव है सब सारे देशों में, ये इस इमेज से बताने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब देखते हैं जो फ्रेडरिक सॉरुस साहब ने जो नेशनलिज्म का आइडिया बताया, जो यूटोपियन सोसाइटी के बारे में बताया, उसको लेके आगे क्या डेवलपमेंट हुए। तो हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी मतलब 1801 to 1900, जो 100 साल का पीरियड है उसे कहा जाता है 19th सेंचुरी। तो आपको याद ही होगा लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़े थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसमें देखे थे कुछ बड़े बड़े नाम सामने आए थे, जिन जैक्स रूसो जिन्होंने थ्योरी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, जॉन लॉक जिन्होंने रिजेक्ट किया था एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, फिर मॉन्टेस्क्यू ने भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी आइडियाज दिए थे। ये जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे ना, ये सारे फिलोसोफर्स की फिलोसॉफी थिंकिंग, लॉजिकल रैशनल थिंकिंग का इम्पैक्ट लोगों पे पड़ने लगा, लोग भी लॉजिकल रैशनल होने लगे। अब ये सारी चीजों ने 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप को बदल दिया, पॉलिटिकली भी और सोशली भी, और यही से इसी का रिजल्ट आया, एंड रिजल्ट आया फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। और जो अलग आज दुनिया को दिखाई दे रही है ना, इंग्लैंड अलग है, फ्रांस अलग है, जर्मनी अलग है, ये सारा नेशन स्टेट वो कहां से आया, वो इसी 19th सेंचुरी में आना स्टार्ट हुए। तो क्या पहले नहीं थे? नहीं, पहले सिर्फ इतना था कि लोग चाहते थे कि एक राजा हो और हमारे देश को सही तरीके से चलाए, बस इतना था। तो बाद में क्या हुआ? तो बाद में नेशन स्टेट, पहले थी एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब इमेजिन कीजिए कि मैं एक राजा हूं और एक देश मेरे कंट्रोल में है, मैंने अटैक करके दूसरे देश पे अटैक करके उससे अपने कब्जे में ले लिया, तीसरे देश पे अपने कब्जे में, चौथे देश को अपने कब्जे में, फिर कोई और नया राजा आया उसने मेरा कोई एक एरिया छीन के उसके कब्जे में ले लिया, और मल्टी नेशनल मोनार्कीज थी, मतलब मैं तो एक राजा हूं लेकिन कुछ जर्मन भी मेरे अंडर आते, कुछ फ्रेंच भी मेरे अंडर आते, कुछ इटालियंस भी मेरे अंडर आते, और मैं एक फ्रेंच राजा होके तीन चार नेशनलिटीज के लोगों को कंट्रोल में करता हूं। तो ये था मल्टी नेशनल डायनेस्टीज। अब लोगों ने इसको उखाड़ के फेंकना स्टार्ट कर दिया 19th सेंचुरी में, उन्होंने कहा कि नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, ऑलरेडी बात कर चुके, जर्मन को जर्मन राजा चाहिए, फ्रेंच को फ्रेंच राजा चाहिए, इटालियंस को इटालियन राजा चाहिए, स्पेनिश को स्पेनिश राजा चाहिए। तो ये नेशन स्टेट यहां से आया। अभी आया कैसे, इसके शुरुआत कहां से हुई? लोगों के दिमाग में चीजें पहले से चल रही थी कि हमको एक राजा चाहिए, लेकिन अब नेशन स्टेट में चेंजेस ये आए कि राजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां की जनता हो गई। हम फ्रेंच बोलने वाले हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा राजा हमसे कम इंपॉर्टेंट है, हम पहले अपना एक फ्रेंच लोगों का देश बनाएंगे, फिर उसमें से एक फ्रेंच व्यक्ति को चुन के राजा बनाएंगे। और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिन जैक्स रूसो ने कहा था, जब तक वो हमारा अपना फ्रेंच स्पीकर जब तक वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करेगा हम भी फॉलो करेंगे, अगर उसने इसके साथ छेड़छाड़ की, उसने से नहीं माना, अपनी पर्सनल करप्शन वगैरह करता चला गया, तो उसको उठा के फेंक देके नए फ्रेंच को ही राजा बनाएंगे। ये नेशन स्टेट का आइडिया आया। तो लोगों में एकता आई कहां से? कॉमन स्ट्रगल, उनके ऊपर अत्याचार होते थे, पुराने राजाओं ने लोगों को प्रेशराइज करके रखा था, उन पर अत्याचार करते थे, सारा लग्जरीज अपनी लाइफ के लिए होती थी, लोगों के भले के लिए कुछ नहीं करते थे, लोग इससे परेशान हो गए थे, और इसी तकलीफों से बचने के लिए लोग एकजुट हुए और अपने अत्याचारी राजाओं के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर दिए। और जब उनको जीत मिलने लगी तब उन्होंने सोचा अब हम नए देश बनाएंगे, अपने जैसे लोग ही एक साथ रहेंगे, हम फ्रेंच अपना देश, जर्मन तुम अपना देश बनाओ, हम दोस्त बन के रहेंगे, एक साथ एक घर में नहीं रहेंगे। बस यहीं से नेशनलिज्म नेशन स्टेट की आइडिया आई। अब नेशन स्टेट मतलब क्या? अब यहाँ पे हमको ये दोनों चीजें समझनी पड़ेगी। नेशन एक फीलिंग है, जो मैंने इसे भी कहा नेशनलिज्म इज अ फीलिंग। 100 लोग एक साथ हैं और वो अपने आप को एक मानते हैं,
ये नेशन हुआ. स्टेट स्टेट इज नॉट अ फीलिंग, स्टेट इज अ पॉलिटिकल फिनोमेना. मतलब एक देश में जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है किसी देश की, वो है वहां का स्टेट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ स्टेट, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहने वाले सारे भारतीय अपने आप को एक मानते हैं, इंडियन मानते हैं. ये हो गया नेशन. सो मैं एक नेशन स्टेट में रहता हूँ, बिकॉज मेरे अलावा जितने भी लोग इस देश में रहते हैं ना, सब मेरे अपने फेलो इंडियंस है. आई लव देम. बट एट द सेम टाइम जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं ना, सब पे कंट्रोल करने वाली एक ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय लोगों ने इलेक्शन के थ्रू चुना है. सो वी इंडियंस वी लीव इन अ नेशन स्टेट, इंडियननेस एंड अ पॉलिटिकली यूनाइटेड वन. ऑफ कोर्स थोड़ा सा पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो भी हमारा है, वो भी हमारे पास आना चाहिए. कुछ अक्साई चीन का पार्ट जाने के बाद वो भी हमारे पास आना चाहिए, आ ही जाएगा, उसको भी प्रॉब्लम की बात नहीं. कभी ना कभी हम जरूर उसको अपने वापस अपने कंट्रोल में अपने स्टेट बाउंड्रीज में लेके आ जाएंगे. आई होप नेशन स्टेट समझ गया होगा. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल मैप से. ये देखिए, ये हमारा इंडिया, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लूँ. इंडिया के साइड में ये वाला जो एरिया है, ये पूरा पाकिस्तान है, और ये वाला बांग्लादेश. जब इंडिया अंग्रेजों से आजाद हुआ था, तभी इंडिया भी बना था और पाकिस्तान भी बना था. पाकिस्तान के दो पार्ट थे, ये था वेस्टर्न पाकिस्तान और ये था ईस्टर्न पाकिस्तान. वेस्टर्न पाकिस्तान के ज्यादातर लोग उर्दू बोलने वाले थे और ईस्टर्न पाकिस्तान के ज्यादातर लोग बांग्ला भाषा बोलने वाले थे. तो ये लोग एक धर्म के नाम पे एक देश तो बना लिए, लेकिन ये उर्दू स्पीकर्स एंड द बांग्ला स्पीकर्स, इनके बीच में कभी भी वो बॉन्डिंग नहीं आई जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी में रहने वाले के बीच में जो बॉन्डिंग थी, वो बांग्ला और उर्दू स्पीकर्स के बीच में नहीं आ पाई. तो आगे चल के बांग्लादेश ने अपने आप को पाकिस्तान से मुक्त करवा दिया और आजाद एक नया बांग्लादेश बन गया. क्योंकि जब पाकिस्तान टूट के अलग निकला था भारत से, तब वो एक स्टेट तो बना था पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन एक नेशन नहीं बन पाया था, इसलिए टूट गया. अब आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो है, मैं इस पर पाकिस्तान के मैप पर थोड़ा और जूम करता हूँ. ये देखिए, ये पूरा पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान में जैसे इंडिया में राज्य होते हैं ना, पाकिस्तान में भी राज्य है. तो ये जो हाईलाइटेड रेड डॉटेड हाईलाइट लाइन होगी, दिस इज बलूचिस्तान. पाकिस्तान का एक राज्य है बलूचिस्तान. इस पे कंट्रोल किसका है बलूचिस्तान पे? पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो इसको संभालती है. लेकिन जो बलूचिस्तान के जो लोग है ना, वो कभी आज तक आज भी अपने आप को पाकिस्तान के जो दूसरे अदर देन बलूचिस्तान के लोग हैं उनके साथ कनेक्ट नहीं करते. ये अपने आप को अलग लोग मानते, अलग समाज मानते, अलग नेशन मानते हैं, और पाकिस्तान को अलग नेशन मानते हैं. और ये आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आजाद हो जाए. तो ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के स्टेट का पार्ट है, पाकिस्तान नेशन का पार्ट नहीं है. तो इनका बलूचिस्तान का अपना ही नेचर है. आई होप नेशन स्टेट का आइडिया क्लियर हो गया होगा. अब इस आगे इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना, हम इसी बात पर ध्यान देंगे कि कैसे यूरोप में नेशन स्टेट बने, ठीक है? उसके क्या प्रोसेस रही है, कौन कौन से हिस्टोरिकल बड़े बड़े इवेंट हुए जिन्होंने नेशन स्टेट बनाया है. तो आज हम यही रुक जाते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, इसमें आपको कुछ लिंक मिलेंगी, वो है एमसीक्यूज की. जो पार्ट हमने पढ़ा ना, उसके कुछ एमसीक्यूज यहाँ मिलेंगे, और इस पार्ट पे बनने वाले एक दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, वो भी आपको उस लिंक में जरूर मिल जाएंगे. ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल.